तो देखिए आपको क्या करना है कि 50 में क्या जोड़े कि 25 आए, यानी आपका 50 हो गया और इसमें क्या जोड़े, यानी मान लेते हैं हम यक्स मान लेते हैं, ठीक है। 50 में यक्स जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ये कैसे होगा आप लोगों का, तो आपको ये वाला यक्स यहीं छोड़ देना है, और ये जो इधर प्लस 50 में ना प्लस छिपा होता है हमेशा, तो उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि बराबर में उधर जाता है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये वाला 25 ऐसे ही हमने लिख लिया, और ये उधर जाएगा तो माइनस 50 हो जाएगा। अभी देखिए एक्स को यहीं छोड़ देंगे, और देखिए माइनस 50 में से प्लस 25 जब घटेगा तो आपका आता है माइनस 25। क्यों होगा, देखिए 50 में से 25 जाएगा तो 25, और माइनस किसके सामने, बड़ी वाली संख्या के सामने ना, 50 बड़ी है 25 से, तो माइनस यहाँ पे है बड़ी वाली संख्या के सामने, तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया, यही आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, कि जब यहाँ पे 50 है, फिर प्लस है, ठीक है, और माइनस 25 आ रहा है ना, तो ये वाला यहाँ पे एक्स की जगह पे रख रहे हैं, तो 25 आप रखेंगे तो कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए। तो ये आप देखिए कैसे हम करते हैं इसको, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस 25 इक्वल टू 25, ठीक है। तो देखिए 50 में से 25 जाएगा तो 25, और बराबर में 25 आइए, देखिए दोनों तरफ का बराबर आ गया ना, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए अब रीजनिंग टाइप से देख लेते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा रीजनिंग टाइप से जो होगा वो ऐसा होगा कि 50 में क्या जोड़े कि 25 हो जाए, तो 50 ऐसे हम लिखते हैं, और इसमें कुछ जोड़ना है, यानी ये जोड़ देंगे मात्रा, आ का मात्रा था इसको हम बड़ी का मात्रा बना देंगे, तो ये 25 हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वो यही चीज़ पूछा जाता है लोगों द्वारा आप लोगों को, लेकिन अगर गणितीय रूप से अगर दिया हो तो आप लोगों को माइनस 25 आंसर लिखना है, ठीक है। और अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप लोगों को इस प्रकार से जवाब देना है, बहुत ही आसान तरीका है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।